बच्चे होंगे जिन्होंने अपने बचपन में शिनचैन नहीं देखा होगा, क्योंकि भाई शिनचैन हम लोग स्कूल से आने के बाद देखते ही थे और शिनचैन के फनी कारनामे तो अभी भी हमको याद ही है। लेकिन शिनचैन की जो रियल स्टोरी है वो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल भी सूट नहीं करती। दरअसल एक बात की बात है, कासुकाबे में एक फैमिली बड़ी ही खुशी से रहती थी और उस परिवार में हिरोशी नोहरा, मिसाई नोहरा, उनके बच्चे शिनोशुके और उसकी बहन हिमावारी रहती थी। दरअसल एक बार मिक्सी को सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाना होता था और बाहर का मौसम बहुत खराब था, इसलिए वो बच्चों को अपने साथ लेके गई। और जब मिसाई अपनी शॉपिंग करने में व्यस्त थी तब उसकी छोटी बहन हिमावारी मार्केट से बाहर रोड पे चली गई, लेकिन शिनचैन नहीं। और उसने अपने बहन को रोड पे जाते हुए देख लिया और उसके पीछे दौड़ गया, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शिनचैन और हिमावारी दोनों ट्रक के नीचे आ जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। और जब उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होती है तब मिसाई नोहरा भी वहाँ पे पहुँचती है। अपने बच्चों की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चली जाती है और वहाँ पे बैठ के स्केच बनाने लगती है। और उसके बाद एक बार उसके स्केच को एक आर्टिस्ट देख लेता है और उसको एक शिनचैन कार्टून में कन्वर्ट कर देता है, जो कि शिनचैन के नाम से जाना जाता है और ये इतना ज्यादा पॉपुलर है कोई सोच नहीं सकता।